नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्थापित एवं विस्थापित क्षत्रिय एकीकरण महासम्मेलन संपन्न। जनपद मऊ के घोसी चीनी मिल के पास SN मैरिज हॉल में भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई लक्ष्मीकांत सिंह परमार द्वारा आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता क्षत्रिय विकास संस्था के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जय सिंह राजपूत जौनपुर द्वारा की गई। इस महासम्मेलन का उद्देश्य मुगल शासन काल में विस्थापित 13 राजवंश परमार, परिहार, चौहान, चालुक्य, राठौर, सेनवंशी, कुशवाहा, सोलंकी आदि को पुनः क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में सम्मान समाहित कर सामाजिक और राजनीतिक मजबूती प्रदान करने हेतु किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत एवं महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने संबोधन में जनसभा को अवगत कराया गया कि अब समय की मांग को देखते हुए सभी क्षत्रियों को एक हो जाने की आवश्यकता है। हमारे समाज के बहुत से लोग आज भी SC OBC में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। ठाकुर उमाशंकर सिंह कुशवाहा ने कहा कि क्षत्रिय एकीकरण हो चुका है, अब आपस में उठना बैठना रोटी बेटी का संबंध करें। ठाकुर अध्याय प्रसाद सिंह ने कहा कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं बल्कि क्षत्रिय ब्रह्मांड नायक होता है। इस अवसर पर ठाकुर कुंवर साहब सिंह, ठाकुर सभाजीत सिंह, रतन सिंह परमार, अवधेश सिंह चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर अशोक चौहान के द्वारा किया गया। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना। आज उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंदर घोसी के MS मैरिज हॉल में क्षत्रिय समाज के एकीकरण को लेकर के आज यहाँ महासम्मेलन कराया जा रहा है, इसके संबंध में सब क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा कार्य भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में स्थापित एवं विस्थापित क्षत्रिय एकीकरण महासम्मेलन का आयोजन आज घोसी मऊ में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग पधार रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम है और ये आवश्यकता है इस समय की। लोकतंत्र है, लोकशाही है और इस लोकतंत्र लोकशाही में जितने ज़्यादा सर आप गिना पाएंगे उतनी बड़ी शक्ति आपकी आप प्रूव कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है और मैं इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि अब आपको इस लोकतंत्र के समय एकता दिखानी होगी। संघे शक्ति कलयुग का जो एक गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है उसे सार्थक करना होगा। तो मैं आपके माध्यम से समस्त क्षत्रिय जो सबके हैं, समस्त जातियों के और धर्म के हैं, जिनके सब हैं जो सबके हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सत्ता में स्थापित होने के लिए तैयारी करें, कैडर तैयार करें और जब भी चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, चाहे फिर आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा हो, आप छात्र धर्म निभाने के लिए अपनी तैयारी करें और सत्ता में स्थापित हों। ऐसा सीख मिल सकता है या ऐसा कहा जा सकता है कि जो विस्थापित क्षत्रिय समाज है इस बैनर तले या क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। यदि कोई संगठन इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो इस कदम को सार्थक करने का दायित्व तो हम सब का बनता है। आज मैं गुजरात से आया हूँ, हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दिल्ली से आई हैं और यहाँ कई बड़े सामाजिक आगेवान यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये सार्थक करना हम सबका दायित्व तो है। और इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप अब भी नहीं जागे तो फिर आप कभी भी अपने न्याय और अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संख्या का ही पूरा ये खेल है। आज इस लोकतंत्र में यदि राजे रजवाड़े स्थापित करने हो तो आपको चुनाव लड़ना होगा, नहीं कि युद्ध कैडर तैयार करना होगा और अपने समाज के उस व्यक्ति को आपको उम्मीदवार के तौर पे स्थापित करना होगा जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो बिल्कुल आज के इस आयोजन से क्षत्रिय समाज को लाभ हो और हम सब अपना दायित्व का निर्वहन करें, ऐसी मेरी समाज से अपील है। जहाँ हमारी भरपूर संख्या है
वहाँ तो हम हमारा उम्मीदवार जिता ही सकते हैं, और सत्ता में आने के बाद युद्ध स्तर पे आप चाहोगे वो भला समाज का भी कर सकते हो, राष्ट्र के जो लोग हैं उनका भी कर सकते हो और देश का भी कर सकते हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देश सरकार चलाती है, सत्ता से देश चलता है, तो क्षत्रियों को अब सत्ता में स्थापित होने की आवश्यकता है। तो आपके माध्यम से मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा क्षत्रियों को कि ये भूल जाए कि सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय है कि ओबीसी में आने वाला क्षत्रिय है। क्षत्रिय क्षत्रिय है, वो चाहे सामान्य हो चाहे ओबीसी। ओबीसी तो एक सरकार की दी हुई सुविधा है, उससे कोई जाति तो परिवर्तित नहीं हो जाती। उस सुविधा का लाभ यदि हमारा कोई भाई ले रहा है तो लेने दें, लेकिन रोटी व्यवहार की आपको अति आवश्यकता है, तो रोटी व्यवहार अवश्य करें। बेटी व्यवहार सभी जानते हैं कहाँ करना है, कहाँ करते हैं और करते आए हैं। तो रोटी व्यवहार की ये एक मांग है, रोटी व्यवहार करें और समस्त क्षत्रिय एक मंच पर आए और सत्ता में स्थापित होने के लिए कमर कसे, क्योंकि एक लक्ष्य वो इतना बड़ा है कि उस लक्ष्य को यदि आपने पा लिया तो और लक्ष्य आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं डॉक्टर एडवोकेट संगीता सिंह, सुप्रीम कोर्ट लॉयर और क्षत्रिय कर्णी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और प्रवक्ता हूँ। आज मऊ जनपद के घोसी में इस एमएस मैरिज हॉल में जो विस्थापित एवं स्थापित क्षत्रिय समाज के एकीकरण का जो सम्मेलन रखा गया है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं मऊ क्षेत्र के और जो भी हमारे बड़े संरक्षक हैं और हमारे गार्जियंस हैं राजपूत समाज से, उनको मैं अपना आभार साधुवाद प्रकट करते हुए कहूँगी एक बहुत अच्छा इन्होंने एक संयोजन स्टार्ट किया है, क्योंकि जो स्थापित और विस्थापित हम लोग बिछड़े हुए हैं इसीलिए हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। तो अभी सर कटाने की नहीं, सर गिनाने की बारी है। तो सर जब भी गिनाया जा सकता है, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र रहा। लोकतंत्र में जो राजे रजवाड़े होते हैं वो आपका सांसद, विधायक, सदस्य पंचायत प्रधान और ये यही सब होते हैं। तो अब इनको चुनने के लिए हमें क्या करना है, हमें सर गिनाना है। इनके लिए ही क्षत्रिय एकता सम्मेलन जो हो रहा है वो स्थापित और विस्थापित क्षत्रियों को एक करने के लिए एक अच्छी शुरुआत जौनपुर से की गई थी, और अभी फिर से यहाँ पे दादा आज्ञा प्रसाद सिंह और जय सिंह और संजीव जी जो है यहाँ पे, आई थिंक हाँ शशिकांत जी, आज्ञा प्रसाद जी और जय सिंह जी, ये लोग समाज में एक करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इनके ही द्वारा आयोजन किया गया एक कार्यक्रम। तो हम और माननीय राज शेखावत जी अहमदाबाद से चलकर आए हैं, तो फिर हम लोग वही एक विचार विमर्श करेंगे एक संगठित तरीके से कैसे काम करना आगे। अच्छा, जो विस्थापित राजपूत हैं जैसे बहुत सारे इसमें कई बिरादरियां आती हैं, जैसे चौहान समाज हुआ, परमार हुआ, हाँ। तो इन लोगों को कैसे हम विस्थापित अपने श्रेणी में लाने का काम करेंगे और कैसे ये लोग होंगे इसको थोड़ा सा देखिए। हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब इनका जहाँ जहाँ गांव है, जहाँ जहाँ इनकी संख्या है वहाँ पर जाके हम अपना विचार रखते हैं और भाईचारा को शुरुआत करते हैं वहीं से। तो इसी के द्वारा कि गांव-गांव हम लोग प्रवास कर रहे हैं। आपके राजपूत समाज में जो गांव-गांव का संगठन का प्रवास करना शुरू किया वो माननीय राज शेखावत जी के द्वारा शुरू हुआ। तो अब एक अच्छा हुआ कि उनके द्वारा शुरू हुआ, अब चलन हो गया है कि हम लोग गांव-गांव जाके अपने विस्थापित भाइयों से, विस्थापित परिवारों से कह रहे हैं कि हमसे रोटी का व्यवहार करो और बेटी का व्यवहार करना हो तो करो, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन अब तो परमार चौहान हमसे लोग तो रोटी और बेटी दोनों का ही व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग अब एक हो रहे हैं, जब रोटी और बेटी का व्यवहार होगा तो हम एक हो जाएंगे, क्योंकि चौहान और परमारों में तो हमारी बच्चियाँ भी जाती हैं, हमारी घर की लड़कियाँ शादी भी होती है। तो इससे एक प्रगाढ़ता आती है और हम लोग एक होंगे। एक होंगे तो जो क्षत्रिय समाज का एक उद्देश्य रहा है, छात्र धर्म निभाना, मतलब प्रजा की या समाज में हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की निवारण करना। ये रोटी बेटी के संबंधों को देखते हुए लग रहा है कि जो विस्थापित क्षत्रिय समाज था वो अस्थापित क्षत्रिय समाज के साथ एक हिस्सा है और जुड़ना चाहता है, हमेशा था और जुड़ना चाहता है। और जो मुगल काल में वो लोग अलग भी हो गए थे, जो रोटी का व्यवहार रखते हैं हमसे और बेटी का व्यवहार उनकी मर्जी है, रखे नहीं रखे, तो वो लोग हम सब लोग अब एक हो रहे हैं। और इसके लिए लगातार जो हमारे संगठन के मुखिया हैं, ये जो समाज के जो आज्ञावान हैं, वो लगातार पूरे भारतवर्ष में यात्राएं कर रहे हैं गांव-गांव। और इसका एक ताज़ा उदाहरण जो अभी लोकसभा चुनाव आपका 2024 गया है, ताज़ा उदाहरण है कि क्षत्रियों को जिस तरह से तिरस्कार किया था उस तरह से क्षत्रियों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। कालिदास चौहान।
दीजिए हम बोले मल्लार्पण करें। आइए और कालिदास चौहान जी आए मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर के सम्मानित करें। कालिदास चौहान जी, रामचंद्र चौहान जी, भजना आर घोषी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।